झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास धनबाद के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया और झारखंड में चल रहे झामुमो की सरकार के क्रियाकलापों को बताया और कहा कि जब झारखंड में हमारी सरकार थी तो अपराधी नज़र नहीं आते थे, मगर आज लोग सुरक्षित नहीं हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव में हमारे विरोधी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम किया करते हैं। जो मैं अनुभव किया कुछ गरीब व्यक्ति कुछ ऊंचे पद पर जाता तो उसे गरीब गुरुवर का ख्याल रखता, जैसे मोदी जी एक समान परिवार से गए, मैं भी टाटा स्टील में 10 वर्ष तक टाटा कंपनी का लोहा तोड़कर मजदूरी कर यहां तक पहुंचा और गरीबी के बीच रहकर गरीब गुरुओं के बीच काम करते हुए मैं यहां। लेकिन झारखंड में जो विनाश पुत्र है इनको विरासत में राज मिली, इनका बाप मुख्यमंत्री, इनका बाप कभी कोयला मंत्री, कभी गरीब गुरुवा आदिवासी के बीच विनाश पुत्र नहीं रहे, सोने के चम्मच में दूध पीते हुए पैदा हुए। इन्हें क्या मतलब है गरीब से, क्या मतलब आदिवासी से? और आज झारखंड के जो 40 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हमारे भोले वाले आदिवासी को मूर्ख बनाकर जो वोट लेते रहे, मुझे खुशी है कि अब झारखंड की संथाल जनता जग गई और आने वाले समय में दोनों चुनाव हैं, मैं इनको मुंह की खाल खाली बोलूंगा। मुझे इतना कहना था, आपका कोई प्रश्न है तो आप आ रहा है। एक भी वादे 9 महीने के अंदर पूरी नहीं, उल्टे इस 9 महीने के अंदर जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रहा था, ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार, अक्षम सरकार कि राजधानी के हिंद पीढ़ी मोहल्ला इस सरकार से नहीं सके। और इस कोरोना महामारी में भी ये गठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार का कोरोना फैलाने का काम, आज सारे राज्य में इस 9 महीने के अंदर 1,500 से ज्यादा, चाहे छोटे अधिकारी हो चाहे बड़े अधिकारी हो, किस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन हुए ये सब जग जाहिर। और आज ये जनता कहने लगे ये सरकार कैश और कैरी, यानी पैसा दो काम कराओ की नीति में इस 9 महीने में यह सरकार अपना चरित्र प्रस्तुत किए। और मुझे विश्वास है जिस तरह जनता खुल के बोल रही कि इस सरकार को जितना जल्द से जल्द इसे विदा करना और दो उपचुनाव दुमका और बेरमो, ये जो जनता का आक्रोश है पूरे राज्य का, वो इस दो उपचुनाव में वो रिजल्ट जनता देकर इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू करने का काम दुमका की जनता, बेरमो की जनता करे। 2019 के विधानसभा चुनाव में हमारे विरोधियों के द्वारा, कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा जो झूठ दुष्प्रचार कर जनता को गुमराह करने का काम हुआ, कर मत लेने का काम की थी कि 9 महीने के सरकार के क्रियाकलाप को देखकर जनता उस गलत भ्रमी से बाहर निकालकर अब उन्हें महसूस हो रही है कि हमसे गलती हो गई। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब न सिर्फ दुमका, पूरी झारखंड की जनता हमारी सरकार के कामों को आज याद कर रही है। बड़े बड़े वादे
कांग्रेस चेयरमैन और आरजेडी के लोग अपने अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर गरीब परिवार को 72,000 रुपया देंगे, विधवा बहनों को 2,500 रुपया पेंशन देंगे, गरीब महिलाओं को चूल्हा के लिए 2,000 रुपया देंगे, एक साल में 5,00,000 नौजवान रोजगार देंगे, जिनको रोजगार नहीं मिलेगा जो ग्रेजुएट है उनको 5,000 रुपया, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 7,000 रुपया। इसी तरह अनेक वादे ये हमारे विरोधी पक्ष के लोग किए, लेकिन 9 महीने के अंदर 72,000 का 7 रुपया भी गरीब तक नहीं पहुंचे। उल्टे ही सरकार जो अपने आप को आदिवासी मूलवासी की पार्टी मानती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जहां हमने 5 साल के अंदर 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नियुक्ति दी थी, जिसमें 95% झारखंड के आदिवासी मूलवासी के बच्चे बच्चियां थे। इन 9 महीने के अंदर मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह आदिवासी मूलवासी के बच्चे बच्चियों को सरकारी स्कूल में टीचर की नियुक्ति हमारी सरकार ने की। आज इस मूलवासी आदिवासी की पार्टी, उसके नेता हेमंत सोरेन जी की सरकार कोर्ट में सही पक्ष नहीं रखने के कारण आज सारे आदिवासी मूलवासी टीचर आज सड़क पर आ गए। सभी जानते हैं कि 5th शेड्यूल में महामहिम राज्यपाल को सम पीरियड के लिए पद को आरक्षित करने का प्रावधान है। हमने और भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में भी थी कि थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड के नौकरियों में हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे, और उसी घोषणा पत्र का अमल करते हुए हमारी सरकार ने थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड के लिए परमानेंट नहीं बल्कि 10 साल के लिए आरक्षित करने का काम किया। लेकिन ये सरकार जानबूझकर सही हाईकोर्ट में पक्ष नहीं रखने के कारण आज हमारे आदिवासी बच्चे, मूलवासी बच्चे, झारखंडवासी के बच्चे बाहर हैं। इसी तरह उग्रवाद को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार ने जो उग्रवादी हमारे गांव के बच्चे बच्चियों को 2,000-3,000 पर बंदूक ढोने ले जाते, हमने उस उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से जो हमारे झारखंड के मूलवासी आदिवासी बच्चे बच्चियों को सहायक पुलिस के नाम पर 10,000 रुपया प्रतिमाह और 3 साल के बाद पुलिस की नौकरी में प्राथमिकता देने का निर्णय करते हुए उन सब बच्चे बच्चों को बाहर किया। लेकिन हम सब ने देखा किस तरह मोराबादी में उन बच्चे बच्चियों पर सहायक पुलिस पर हेमंत सोरेन सरकार ने पुलिस पर ही पुलिस का प्रहार करने का काम घटना हुई। मैं खुद मोराबादी गया, सारे लोग से बात की और सरकार को झुकना पड़ा और एक्सटेंशन दी, एक कमेटी बनाई हुई है, और उन्होंने घोषणा पत्र में भी कहा था सहायक पुलिस को 50% का आरक्षण। इस तरह घोषणा पत्र का